नमस्कार फ्रेंड, मैं हूँ चंद्रन पटेल। और देखिए, आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे स्टॉक के ऊपर जो कि 100% का डिविडेंड दे रही है। और ये स्टॉक में 100% का डिविडेंड का जब ऐलान हुआ तो स्टॉक में लगातार अपर सर्किट लगना चालू हो गया। चलिए, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, जानते हैं हम ये कौन सा स्टॉक है और कितना ये डिविडेंड दे रहा है और किस तरीके से इस स्टॉक की प्रॉफिट है, ग्रोथ हो रही है, नेट प्रॉफिट। देखिए, पहले चीज़ जान लेते हैं कि इस कंपनी ने रिटर्न कितना दिया है। अगर हम बात करें 10 साल में लगभग 65% सेजीआर रिटर्न है। देखिए, सेजीआर जो रिटर्न होता है वो हर एक साल पे कैलकुलेट होता है, ठीक है। वो मैं आपको बता दूंगा कि हर एक साल ये 65% का रिटर्न दिया है, 7 साल में लगभग 60% का रिटर्न, 5 साल में लगभग 146% का सेजीआर रिटर्न, 3 साल में 349% का सेजीआर रिटर्न, 1 साल में लगभग 300% के आसपास यहाँ पे ये रिटर्न दे चुका है। देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त वैल्यूम इसकी कंपनी में हो रही है। अगर हम मैक्सिमम की चार्ट लगाएं तो आप मैक्सिमम की चार्ट देख सकते हैं किस तरीके से ये कंपनी में तेज़ी हुई है, आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत। अगर हम एक साल का देखें तो ये एक साल का चार्ट है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त आपको देखने को मिल रहा है। और ये जो लाइन जो चल रही है वो लाइन है 200 दिनों की है। अगर ये लाइन यहाँ से ये स्टॉक क्रॉस करता है तो मतलब ये समझिए कि गिरेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप देख लीजिए। अब अगर हम इस कंपनी की अगर हम बात करें तो आप देखिए इसमें प्रॉफिट कितना कमाया है वो आप यहाँ पे देख लीजिए। जो इनका नेट प्रॉफिट हुआ है वो 2023 का ही यहाँ पे मेंशन है। मैं 2023 से ही आपको बता देता हूँ जो नेट प्रॉफिट हुआ है 1.39 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट इनका जनरेट हुआ है। उसके हिसाब से जो इसका अर्निंग पर शेयर आता है वो लगभग 0.25% का अर्निंग यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अगर हम इसकी बात करें कि ये कितना कितना कौन कौन बाइंग किया है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2017 में लगभग प्रमोटर की जो होल्डिंग है 11.37 है, DIs के पास 2.23%, पब्लिक के पास बहुत ही ज़ोरदार है और नंबर आप शेयर यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब चलिए, सॉरी, नंबर आप शेयर होल्डर्स है, ठीक है ना, थोड़ा मिस्टेक हो गया। यहाँ पे आप प्रमोटर की ये होल्डिंग देख लीजिए, बहुत घट गई है DIs की होल्डिंग यहाँ पे, और पब्लिक ने बहुत ही ज़बरदस्त माल उठा लिया है इसका। देखिए, नाम है इसका गुजरात टोल रूम, ठीक है। इसकी जो मार्केट कैप है वो है 251 करोड़, इसकी जो मार्केट कैप है। और इस स्टॉक की अगर हम बाउंड बिग लो की बात करें तो 10 रुपये 50 पैसे का ये स्टॉक था बाउंड बिग लो, और जो हाई है बाउंड बिग 63 रुपये का बाउंड बिग हाई आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। डिविडेंट यील्ड बहुत अच्छी है, डिविडेंट यील्ड लगभग ये 2.21% का डिविडेंट यील्ड दिया है, बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पे आप देखिए जो इसका पी है, जो इंडस्ट्री पी है वो लगभग 37 के आसपास है, और इसकी जो पी है वो बहुत ही ज़्यादा है, लगभग 181 के आसपास है। तो चलिए हम देखते हैं इस स्टॉक ने कितना अनाउंसमेंट किया है डिविडेंट। देखिए, ये डिविडेंट अनाउंसमेंट करने के बाद ये स्टॉक में अपर सर्किट, वो मैंने आपको बताया 5% का अपर सर्किट लग रहा है, लगातार 5% का लग रहा है। और इस कंपनी ने जो डिविडेंट अनाउंसमेंट किया है वो देखिए, डिविडेंड का जो प्राइस है वो मैं आपको बताऊं कि लगभग इसकी जो शेयर की जो प्राइस है वो 45 की है, ठीक है, 45 रुपये का है। 100% ये डिविडेंड दे रही है, और इसका जो फेस वैल्यू है ये है फेस वैल्यू
₹1 की। ये पूरा का पूरा 100% मतलब 45 रुपये का डिविडेंड आपको देगी, ठीक है। आप समझिए 45 रुपये का तो खुद का इसका स्टॉक है, अब 45 रुपये ये खुद आपको डिविडेंड दे रही है, ठीक है। जो रिकॉर्ड डेट है वो 20 अप्रैल है, अब देखिए 20 अप्रैल है इसकी रिकॉर्ड डेट और 45 रुपये का ये खुद का डिविडेंड दे रही है, ठीक है। अब इसी के चलते स्टॉक में अपर सर्किट का सिलसिला जारी है। देख सकते हैं आप किस तरीके से ये इस स्टॉक ने एक अच्छा पिछले महीने में 28% का रिटर्न दिया, कितना 28% का रिटर्न दे दिया है। 52 वीक लो 52 वीक हाई पिछले पाँच साल में लगभग 8500 का डिविडेंड इसने दे दिया है, 8500 का डिविडेंड ये स्टॉक ने दे दिया है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है कि ये आपको एक अच्छा डिविडेंड दे रही है, तो उसके हिसाब से आप समझिए कि किस तरीके से ये स्टॉक में तेज़ी चल रही है। धन्यवाद।